T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जून के अंदर और इंडियन टीम जो है जो यूएसए जाने वाली थी 21 या 22 मई के आसपास, अब रीशेड्यूल होकर उनका शेड्यूल हो गया है 25 या 26 मई के आसपास और वो भी बैचेस में जाएंगे। लेकिन जो प्लेयर्स आईपीएल फाइनल खेल रहे होंगे उनका जो डिपार्चर है वो थोड़ा सा लेट होगा 26 मई के बाद, क्योंकि 26 मई को आईपीएल है और इसी के चलते इंडियन टीम जो कि जनरली ओवरऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स में या कोई भी टीम खेलो वो दो वार्म अप मैचेस खेलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेलेगी। इंडियन टीम तो एक मैच खेलेगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम एक भी वार्म अप मैच नहीं खेलने वाली है बिकॉज उनकी बायलेटरल सीरीज उस वक्त पे चल रही होगी और इसी के चलते इंडियन टीम जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वार्म अप मैच खेलने वाली है। और उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि इंडियन टीम का जो बेस है वो है न्यूयॉर्क और जो दूसरा वार्म अप मैच शेड्यूल था वो था फ्लोरिडा में, तो इंडियन प्लेयर्स बिकॉज ऑफ दिस हेक्टिक शेड्यूल ऑफ आईपीएल वो थोड़ा ज़्यादा चाह नहीं रहे थे कि हम इतना ज़्यादा ट्रैवल करें कि पहले न्यूयॉर्क जाएं, न्यूयॉर्क से फिर फ्लोरिडा भी और फ्लोरिडा से वापस न्यूयॉर्क आएं। इसी के चलते बीसीसीआई और वहाँ पर जो यूएसए की क्रिकेट एसोसिएशन है एंड वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उन सब ने ये तय किया कि इंडियन टीम सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप मैच खेलने वाली है और ये वार्म अप मैचेस जनरली इसलिए होते हैं ताकि जो प्लेयर्स है वो अक्लेमेटाइज हो जाए सब सिचुएशंस के साथ जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं, बिकॉज आप नई जगह से दूसरी जगह जाते हैं और यूएसए हो या फिर वेस्ट इंडीज़ हो वहाँ पे थोड़ा समय तो लगता ही है आपको अपने आप को थोड़ा ढालने में उस तरह से, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एज अ प्लेयर आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है अपनी बॉडी को उसमें एडजस्ट करने के लिए एंड दैट इज़ अ रीज़न कि वार्म अप मैचेस होते हैं ताकि जो स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हैं वर्ल्ड कप को लेके वो सही है कि नहीं उनको थोड़ा इंप्लीमेंट करने का आपके पास वक्त होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और प्लेयर्स की फॉर्म्स भी थोड़ी समझ आने लगती है। लेकिन इंडियन टीम के पास सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप मैच होगा, उसके बाद 5 जून से उनका जो कारवा है वो शुरू हो जाएगा और देखना होगा कि इंडियन टीम किस तरह से खेलने वाली है इस T20 वर्ल्ड कप में। आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने घर लेकर आएगी या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए CG News को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।